प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु राज्य है, किंतु ये प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य के वे कौन से पहलू हैं जिनका विवेचन राजनीति विज्ञान द्वारा किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग बातें कही, उनमें से मैं आपके सामने कुछ प्रमुख विद्वानों की चर्चा कर रही हूँ। गुडनाम ने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध तीन बातों से है। पहला, राज्य की इच्छा का निर्माण। दूसरा, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति। तीसरा, राज्य की इच्छा का क्रियान्वयन। इसी तरह फ्रेडरिक पोलक ने भी कहा कि राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा, पहला सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में राज्य की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और व्यवहारिक राजनीति में राज्य के क्रियात्मक स्वरूप तथा निरंतर परिवर्तनशील सरकारों के वास्तविक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में कही, उसमें से मैंने आपको गुडनाउ और फ्रेडरिक पोलक की चर्चा यहाँ पर आपके सामने की। राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में कौन से विषय को सम्मिलित करना चाहिए, इसके लिए राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या हो, इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सन 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया तथा उसमें ये निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा, दल, समूह तथा जनमत, दल प्रणाली, दबाव तथा हित समूह, जनमत तथा जनता में जनता की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा प्रशासन। इस प्रकार यूनेस्को में जो सम्मेलन हुआ उसमें चार बातों को राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार व उसके अंगों का अध्ययन करता है। राज्य व सरकार के अतिरिक्त उसकी कोई अन्य रुचि नहीं है, अतः राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य ही है। अब हम चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों पर चर्चा करने से पहले हम शुरुआत करते हैं कि परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और उसके अनुरूप अपनी पद्धतियों का प्रयोग किया। जैसे यूनानी विचारक
प्लेटो ने स्वयं सिद्ध सिद्धांतों पर आधारित तर्क को अपनी पद्धति में प्रधानता दी। अरस्तु ने तर्क के साथ साथ ऐतिहासिक अनुभव और तुलना से काम लिया। मध्य युग के ईसाई विचारकों की पद्धति शुद्ध पंडित्यवाद थी। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख परंपरागत पद्धतियाँ निम्न हैं। पहली, दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति का भाग माना जाता है। ये अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं अपितु कल्पना और आदर्श पर आधारित है। इस पद्धति में स्वयं प्रथम भावात्मक संबंध स्थापित कर लिया जाता है और फिर कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसाके आदि इसके प्रमुख प्रतिपादक है। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक और थॉमस मोर ने अपनी विख्यात रचना यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया। दार्शनिक पद्धति का यहाँ मतलब है कि पहले कल्पना बना ली जाती है और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। दूसरी पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पृष्ठों में खोजी जा सकती है। जैसा कि लास्की के अनुसार, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के इतिहास में अनुभवों के परिणामों का इकट्ठा करके लिखने का प्रयास होना चाहिए। मेक्यावली, बोदा, मंटेस्क्यू, बक्र आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। ऐतिहासिक पद्धति का मतलब है राजनीति विज्ञान को इतिहास के साथ जोड़कर उसका अध्ययन करना और जो गलतियां हमने इतिहास में करी हैं उसको दोबारा न दोहराना। तीसरी है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का स्वयं प्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का वर्गीकरण अध्ययन करके क्रांति के कारणों और उसको रोकने के प्रयासों का उपाय बताया। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों का उद्देश्य होता है कि वे एक प्रकार की संस्थाओं का इतिहास में तथा वर्तमान समय में तुलना करके उनके बारे में निर्णय व सिद्धांतों का निर्धारण करें। इतिहास में हमको राज्य के विभिन्न अंगों में विकास, पतन और विनाश के उदाहरण मिलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से क्या परिणाम निकलना तर्कसंगत होगा। मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, टी टॉकविल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। तुलनात्मक पद्धति से मतलब है एक संस्था का दूसरे संस्था के साथ तुलना करना और फिर अपने परिणाम निकालना। चौथा, विधि पद्धति। विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधारों पर बल दिया गया। ये पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है। इसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। ये राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस पद्धति के समर्थन में विलोबी, डिगविट इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। संक्षेप में, परंपरावादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और कानूनी संवैधानिक है। इसका अध्ययन वर्णनात्मक और अपरिष्कृत है, न कि व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक। इन्होंने विधि समस्त औपचारिक संस्थाओं का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने
राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा वैधानिक अध्ययन ही किया। अतः इसके अध्ययन की प्रधानता निश्चल या गतिहीन है और राजनीति में गतव्यक्तम शक्तियों को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आज हमने चर्चा करी है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र और उसके परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन की पद्धतियाँ। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।